हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पीसी अकेडमी कुरुक्षेत्रा में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे, उस न्यूमेरिकल को 2018 में सीबीएसई ने पुट किया था। इससे पहले 2015 में भी ये न्यूमेरिकल आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, ध्यान से देखेंगे इसे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या है वो न्यूमेरिकल्स, आप मेरी बैक स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और बहुत बार बच्चों से इस क्वेश्चन को पुट किया जाता है। तो देखते हैं इस न्यूमेरिकल को। If two particles of mass 1 kg each are placed on a table at a distance of say 1 centimeter and 10^6 electrons are removed from each other, then for the particle to be in equilibrium, what is the coefficient of friction between particles and टेबल। क्या है स्टेटमेंट, एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे ताकि न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से समझ में आए। इफ टू पार्टिकल्स ऑफ मास, दो पार्टिकल आपको दिए गए हैं और उन पार्टिकल के मासेस कितने हैं, 1 kg ईच, एंड दे आर प्लेस्ड ऑन ए टेबल एट डिस्टेंस ऑफ से 1 centimeter। उनको एक टेबल के ऊपर रखा गया है और उन टेबल्स में उन जिस पॉइंट्स पर हमने उनको रखा है उनके बीच में जो गैप है दैट इज 1 centimeter। वो कह रहा है कि अगर 10^6 इलेक्ट्रॉन्स मैं यहां से रिमूव कर दूं इन पार्टिकल से जिनके मास 1 kg है, तो ये तो क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, कि अगर किसी भी पार्टिकल से हम चार्ज को निकालेंगे, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल ली, तो इट मीन्स इट कैरी सम चार्ज, उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज बिल्डअप हो जाएगा। इट मीन्स अब इंट्रैक्शन फोर्सेस अपना एक रोल प्ले करेंगे, और जब वो इंट्रैक्शन फोर्सेस होंगे तो इसका मतलब वो पार्टिकल्स अगर वो रिपल्सिव हुए तो दूर दूर भागेंगे और अट्रैक्टिव हुए तो पास पास आएंगे। तो वो कह रहे हैं कि सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लेके आना है। For the system to be in equilibrium, तो बताएं कि coefficient of friction कितना होना चाहिए उन particles में और table में। तो आइए start करते हैं इस numerical को। क्या है statement? If two particle of mass 1 kg each, so this is the table. This is the table. ये हमारे पास table है और यहां पे दिस इज द टेबल। मैंने क्या किया, दो पार्टिकल लिए, दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल व्हिच इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड दिस इज द सेकंड पार्टिकल व्हिच इज प्लेस्ड एट पॉइंट बी। मैंने दो पार्टिकल लिए, दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल एंड दिस इज द सेकंड पार्टिकल। दोनों कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, इन दोनों के मास कितने हैं आपके पास, 1 kg। मास कितना गिवन है आपको, 1 kg। इसका भी कितना गिवन है, 1 kg। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपके पास 1 centimeter। 1 centimeter इन दोनों के बीच का क्या है, डिस्टेंस। अभी दोनों पार्टिकल न्यूट्रल है तो इसका वेट किधर लगेगा, दैट इज mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ध्यान से देखेंगे, द वेट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और जो नॉर्मल रिएक्शन r होगी वो ऊपर की ओर होगी एंड द नॉर्मल रिएक्शन r इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। वेट किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों के दोनों पार्टिकल ही न्यूट्रल है, कोई इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं है, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। प्रॉब्लम अब आएगी जब हम इन दो पार्टिकल्स में के बीच में से 10^6 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे।
इफ 10 रेज टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव, अगर 10 रेज टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें से रिमूव कर दें तो क्या होगा, बोथ द पार्टिकल्स कैरी सम चार्ज, दोनों पार्टिकल्स के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा। तो इट मींस देयर इज सम रिपल्सिव फोर्स इज टू बी प्रोड्यूस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स। अब वो दोनों के बीच में क्या होंगे, इंट्रेक्शन पहुंचे जाएंगे और वो रिपल्सिव नेचर के होंगे। दोबारा इसमें अभी दोनों के दोनों पार्टिकल ही न्यूट्रल हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इंट्रेक्शन फोर्स नहीं है, सिस्टम इक्विलिब्रियम है। अगर इस दोनों पार्टिकल से वो कह रहा है कि 10 रेज टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम, नाउ दिस इज न्यूट्रल, अगर मैं कहूं कि इसमें से मैं 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लूंगा तो इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलते ही इट कैरी 2 पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह जब इसमें से 10 रेज टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाएंगे तो इसके ऊपर भी एक चार्ज आएगा, और वो चार्ज होगा कितना सबसे पहले उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट लगाएंगे क्वांटिनाइजेशन का। क्वांटिनाइजेशन क्या कहता है, टोटल चार्ज इज गिवन बाय एन इनटू ई, वेयर एन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने बाहर निकाले 10 रेज टू द पावर 6, तो एन की वैल्यू है 10 रेज टू द पावर 6। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 10 रेज टू द पावर -19 कूलम, तो Q की वैल्यू आ गई आपके पास 1.6 10 रेज टू द पावर -13 कूलम। इसका मतलब इतना चार्ज इन दोनों के ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा 1.6 10 रेज टू द पावर -13 कूलम, इस पे कितना आ जाएगा 1.6 10 रेज टू द पावर -13 कूलम। जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्जिंग आएगा, तो इतना चार्ज इनके ऊपर आ जाएगा। अब जब ये चार्ज इन दोनों पे आ जाएगा तो अब इनके बीच में क्या होंगे, इंट्रैक्शन फोर्सेस लगने शुरू हो जाएंगे, और ये इंट्रैक्शन फोर्सेस कैसे होंगे, रिपल्सिव नेचर के होंगे। इसका मतलब ये पार्टिकल सेकेंड पार्टिकल जो फर्स्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा वो इलेक्ट्रोस्टेटिक रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, और ये जो पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। तो और फ्रिक्शनल जो फोर्स जिसकी हम बात करते हैं, अब क्या होंगे, दोनों पार्टिकल भागने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दोनों पार्टिकल्स के ऊपर बाहर की ओर एक फोर्स लग रहा है, तो दोनों पार्टिकल इस डायरेक्शन में चलेंगे। तो नीचे आपको पता है कि जब भी कोई बॉडी स्लाइड करती है किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर तो एक फ्रिक्शनल फोर्स अराइज हो जाता है जो कि उसके अगेंस्ट में होता है। इसका मतलब एक फ्रिक्शनल फोर्स एफ आर इस डायरेक्शन में आपके पास आ जाएगा। एफ आर क्या है आपके पास, फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ व्हाट इज एफ आर, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। एक्टिंग बिटवीन पार्टिकल एंड टेबल, तो इस फ्रिक्शनल फोर्स के कॉफिशियंट की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें म्यू फाइंड आउट करना है। व्हाट इज म्यू, दैट इज द कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। अब सोचिए कि सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना है तो इसका मतलब इन दोनों फोर्सेस को बराबर होना होगा, क्योंकि ये फोर्स चाहता है कि ये बॉल इधर जाए, पार्टिकल इधर जाए, और फ्रिक्शनल फोर्स इसका अपोज कर रहा है, और हमें कहा गया है कि फॉर द पार्टिकल टू बी इक्विलिब्रियम, तो दोनों पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब इन दोनों को बराबर होना होगा। फॉर द पार्टिकल टू बी इन इक्विलिब्रियम तो जो एफ की इलेक्ट्रोस्टेटिक जो रिपल्सिव फोर्स है वो इस एफ आर के बराबर होगा। Now what is Fe according to Coulomb's law, हमें पता है 1/4πε0 Q1 into Q2 by R square, now Q1 into Q2 by R square, now what is Fr, that is mu into R, this is the coefficient of friction, Fr is equal to mu R। तो देखें अब आपके पास 1/4π
एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर दैट विल बिकम इक्वल टू कितना आ गया म्यू इनटू आर. नाउ व्हाट इज आर दैट विल बिकम इक्वल टू एम जी बैलेंस बाय द वेट ऑफ द पार्टिकल. तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप सभी को पता है 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. नाउ व्हाट इज क्यू वन क्यू टू दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 13 कूलम होल स्क्वायर. दोनों में सेम चार्जेस है. नाउ व्हाट इज आर आर कितना है आपके पास द आर इज 1 सेंटीमीटर. तो मीटर में चेंज करेंगे 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 मीटर तो ये आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 मीटर इसका होल स्क्वायर. म्यू हमें फाइंड आउट करना है. नाउ व्हाट इज आर दैट विल बिकम इक्वल टू एम जी. नाउ व्हाट इज एम जी मास. मास कितना गिवन है 8 kg. नाउ व्हाट इज जी दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आपके पास यहां से म्यू आएगा 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 1.6 इसका होल स्क्वायर इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 26 माइनस 13 माइनस 26 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 इंटू 10. तो म्यू आ गया आपके पास 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 1.6 इंटू 1.6 दैट इज 2.16 को 16 से करेंगे तो दैट इज 2.56 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 26 और नीचे आ गया आपके पास 10 रेज टू द पावर माइनस 3. तो म्यू आएगा आपके पास 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 इंटू 2.56 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 माइनस 26 प्लस 23 तो दैट कम्स आउट टू बी 10 रेज टू द पावर माइनस 14 एंड दिस कम्स आउट टू बी 23.02. सो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द टेबल फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम. बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. तो इस तरह के टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हमको सोल्व करके जाने हैं पेपर में. तो माय डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो के थ्रू मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस करवाई जाए. सो एट लास्ट आई एम अगेन सेइंग my dear students, all of you are getting my videos और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आ रही होंगी. तो again I am saying if you like my videos then please don't forget to like, share and subscribe. Share it maximum to your friends beta so that rest of them can also take the advantage of this video. मेरी पूरी कोशिश रहेगी आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं और आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको मैं अपने इस चैनल के थ्रू क्लियर करता रहूं. तो एट लास्ट अगेन आई एम सेइंग इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद. Thank you.